नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के कटरा बाजार में हैं और कल जो है आने वाले दिन में शुभ दीपावली है। दीपावली सभी की हो यही उम्मीद के साथ हम इस बाजार में आए हैं। गरीबों की दीपावली हो, सभी की दीपावली हो और ये दीपों का त्यौहार सभी खुशियों से मनाएं, बस इसी उम्मीद के साथ हम इस बाजार में हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और वो तस्वीरें इतनी भावुक रहेंगी कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जिनको उम्मीद है, आप देख सकते हैं कि दादा जो है, ये दादा दिए की दुकान लगाए, आप देख सकते हैं इनका जो है पाजामा फटा हुआ है। और आप ये हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं इन गरीबों के अगर आप दिए खरीदोगे तो शायद इनकी भी दीपावली मन जाएगी, बस इसी उम्मीद के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे अपने परिवार के साथ जो दुकानें लगी हैं इस उम्मीद पर कि जनता इनके पास आए, इनकी भी कल दीपावली हो, 2 रुपये इनको मुनाफा हो, बस इसी उम्मीद के साथ जो ये दुकान लगाए हैं। आप तस्वीर लगातार देख सकते हैं, ये अम्मा देखें सभी की दीपावली हो, सभी से लोग हर दुकानदार से कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदे। बस हमारी ये गुजारिश है कि अगर 2 रुपये आपके पास अतिरिक्त हैं और बाजार में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हर दुकानदार से कुछ ना कुछ जरूर खरीदें, क्योंकि आपसे ही इन लोगों को उम्मीद है। तो हम लगातार और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस बाजार में तमाम ऐसी चीज़ें जो सिर्फ दीपावली में देखने को मिल सकती हैं। लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति है और ये छोटे छोटे जो है दुकानदार हैं, इनको जनता से उम्मीद है। और बस हम लगातार आपको तस्वीर दिखा लेंगे, पूरा परिवार कैसे एक व्यापारी के तौर पर, एक दिन व्यापारी के तौर पर बन जाता है और उसको जनता से उम्मीद है कि उसके यहाँ कोई आएगा और दिए खरीदेगा। ये आप दिए देखें, लगातार मिट्टी के दिए हैं और आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं ये उम्मीदों का बाज़ार है और उम्मीदों का बाज़ार इन व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे व्यापारी हैं। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, सभी के घर में खुशी रहे। छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानें भी चलें, इसी उम्मीद के साथ हम ये आपको ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। लगातार हम जो है आपको और तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बाजार में हम गुजर रहे हैं और ये तस्वीर देखिए कि ये दिए बेच रही हैं और इनके साथ एक गुड़िया है। एक पूरा परिवार लग जाता है कि कुछ मुनाफा होगा और कल इनकी दीपावली मनाई जाएगी। तो हम फिर कहेंगे कि जनता से कुछ ना कुछ सामान सभी से खरीदें। लगातार जो है हम और बाजार में और आपको दिखाएंगे। बाजार में अच्छी रौनक है, धूम धड़ाके से जो लोग सामान खरीद रहे हैं। तो हम लगातार आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। कॉटन है और ये कॉटन देखिए आप, ये कॉटन तुम्हारी दुकान आया, कॉटन है ये। और कितनी? 10 के 2 पैकेट है। 10 के 2 पैकेट कितनी बेच ले तुम दिन भर? आज दरबार में 2 किलो 3 किलो बिक जाती है। भाव किलो में रही है? ये पड़ रही है 150-300 की पड़ रही है। उसमें हमारों की मंजूरी नहीं आ रही है। गरीब भूखे मर रहे हैं और तेल महंगा है, गरीब आड़े सो रहे हैं। ये बिटिया भी बेच रही, तुम भी बेचती हो? हाँ। या ये 10 रुपए का बेचती हो? हाँ। 10 के 3। तो ये अपने पापा से ले जाती हो? पापा हैं तुम्हारे? हाँ। जाती हो, ले रहे हैं लोग, लेते हैं तुमसे? हाँ। कितनी पॉलीथीन बेच चुकी हो तुम? हम 200 की। चलो ठीक है, गिनती नहीं आती। हम देखो फिर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अम्मा भी बैठी हैं। ये जो बाजार है वो गुलजार है, वो बाजार इसलिए गुलजार है, तमाम तरह के यहाँ व्यापारी मिलेंगे।
और ये व्यापारी प्रोफेशनल व्यापारी नहीं है, ये सिर्फ दीपावली के इस त्यौहार पर दुकानें लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा परिवार इनका बैठा है और पूरा परिवार इनका इस वक्त जो है दीपावली की एक दिन पहले का व्यापारी बना। हम और आगे आएंगे और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो काम का है फोटो तो झाड़ू भी आपको मिलेगी और ये जो है कॉटन की जो है बत्तियां हैं, ये दिए हैं और ये अम्मा बैठी हैं। आप देख सकते हैं लगातार ये सिंगाड़े भी आप देख लो, सिंगाड़े का जो है तुम्हें सिंगाड़े बिक रहे हैं? हाँ बिक रहा है। अरे बिक रहा है हमें ऐसा ही। हाँ भाव चल रहा है सिंगाड़े? 20 के 12-15। हाँ सिंगाड़े जो है टाइम पे आउट है? बस इसमें जितने बिक जाए बस एक महीना चला थे। रोज बेचती हूँ कि दीपावली के टाइम पे? नहीं दीपावली के टाइम पे। दीपावली एक महीना तो चलता ही है सिंगाड़े को बस। रोज बेच रही है दीपावली के? बेच रही 8 दिन से बेच रहे भैया। 8 दिन से बेच रहे 8 दिन से अम्मा लगातार सिंगाड़े बेच रही। हम बहुत दुकानों के साथ आपको ले चलेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा ये झाड़ू बेच रहे आप? नहीं बैठे हैं ऐसे। अच्छा तुम बैठे हो। आपकी काय की दुकानदारी ठीक चल रही? हमारी ये सब चीजें लगी है ना, ग्वाल ने चकुल गए डबुल गए फूला लाई झाड़ू सब मेरी है। सब दुकान तुम्हारी है? हाँ। जो कैसी दी? 5 रुपए की। 5 रुपए हो जी? ये 50 रुपए का घोड़ा। हाँ तो लगातार हम और आपको बताएंगे, कुछ तस्वीरें और हैं। उन तस्वीरों के अलावा सिर्फ उम्मीद ये है कि हम लगातार लोगों की जो है दुकानदार दीपावली में क्या क्या चीज हो सकती है सारी चीजें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो लोगों से पूछ रहे हैं जी। क्या पूछ रहे हैं आप? क्या ये पूरा बेच रहे हैं? प्रसाद का सामान बेचते, हर साल बेचते, हमारा तो नियम ही है। हाँ हर साल बेचते, हम बंद नहीं करते, हर साल साल में 3 बजे दुकान लगाते हैं। अच्छा। हाँ दीपावली में मतलब धनतेरस से दिवाली तक दुकान लगेगी अपनी। पूजा का सामान बेचते, इसमें का भी भाव है। फिर से हिंदू बना मीन से मुस्लिम बना, ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, आजाए बुराई पर तो इंसान बड़ा है। बहुत बढ़िया समझे। तो ये प्रसाद आप बेचते? बेचते हैं जी, हर साल बेचते हैं जी हमको। तो हम दीपावली के इस पावन पर्व पर इनके जज्बातों को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। का हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है इंसान रहे। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि आप बाजार की जो गुलजार है, बाजार की जो रौनकता है, निश्चित तौर पर दीपावली के इस त्यौहार और पावन पर्व पर हम पूरे सागर वासियों को शुभकामनाएँ देते हैं। साथ में उम्मीद करते हैं कि हर गरीब से हर गरीब व्यापारी को जनता से उम्मीद है कि उसका कुछ ना कुछ सामान वो ज़रूर खरीदे। दीपावली सभी की मने, सभी के घर में खुशियाँ आएँ। इन्हीं खुशियों के साथ हम फिर एक बार निवेदन करेंगे इस अच्छी आवाम से, इस अच्छी जनता से, कि सभी व्यापारी जो गरीब व्यापारी हैं, जिनकी जनता पर टकटकी है, कुछ ना कुछ सामान सभी का कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस, न्यूज़ सागर। सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश।